हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फोनिक्स फॉर अडल्ट यानी कि जो फोनिक्स साउंड्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और किस तरीके से हम बड़े लोग यानी कि पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं जो नए टीचर्स हैं जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि कौन सी साउंड कैसे बोलेंगे उसके लिए या फिर कोई भी आप बड़े हैं जो अपनी रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं सो so इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि फोनिक्स थोड़ा सा इजी कर देता है पढ़ना और लिखना दोनों को फोनिक साउंड बताने से पहले मैं कुछ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ नंबर वन ये कि जो फोनिक साउंड्स हैं लेटर इंग्लिश में हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें ट्वेंटी लेकिन जो साउंड्स हैं हैं वो सो है। so, बाकी की साउंड कैसे बनती हैं जैसे कुछ एक लेटर की दो साउंड होती हैं या फिर जो दो लेटर होते हैं उनको मिला के एक साउंड बनती है जैसे कि हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष त्र ज्ञ so, सो दो, -दो व्यंजन को मिला के और एक साउंड बनती है उसी तरीके से इंग्लिश में भी उनको डायग्राफ बोलते हैं कि दो लेटर एक साथ आके एक साउंड बनाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इंग्लिश एल्फाबेट बोलना है लेकिन जो अल्फ़ाबेट हैं यानी कि जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेट एड्रेस नहीं करना है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी वर्णमाला उसी तरीके से हम बोलेंगे इंग्लिश अल्फाबेट लेकिन उसमें जो वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनको हम बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर सो उसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनको हम लेटर बोलेंगे जैसे कि लेटर ए लेटर बी लेटर सी इनको हम ये नहीं बोलेंगे अल्फाबेट ए अल्फाबेट बी अल्फाबेट सी दैट इज रॉन्ग दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ द थिंग्स सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि जब भी फोनिक्स सिखाते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल केस या लोअर केस को यूज किया जाता है वो इसलिए क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं सो so मोस्टली हम लोअर केस लेटर्स ही देखते हैं हम लोग जो ये कैपिटल लेटर्स है उसको बहुत कम देखते हैं या तो सेंटेंस शुरू हो रहा है या फिर प्रॉपर नाउन है सो so वहीं पे ही जो कैपिटल लेटर है उसको देखा जाता है इसका सिर्फ ये रीज़न है और कोई रीजन नहीं है अगर लेटर कैपिटल है या स्मॉल है साउंड उसकी सेम रहती है नंबर तीन की अगर आप पहली बार फोनिक्स सीख रहे हैं या फिर आपको फोनिक्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आप अपनी फोनमिक अवेयरनेस को डेवलप कीजिए उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई वर्ड आप बोलते हैं आप जब अकेले होते हैं ये कर सकते हैं कि जब भी आप कोई वर्ड बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए उसको धीरे धीरे बोलिए उन साउंड्स को स्ट्रेच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें कितनी साउंड है तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप साउंड्स को उतना ज़्यादा अच्छे से कैच करने लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला डॉग अब इसको हमने एक वर्ड की तरह किससे बोला है कि डॉग लेकिन अगर हम इसको धीरे बोलेंगे डॉग डॉग, सो so, हमें इसमें जो साउंड्स हैं वो समझ में आने लग जाएंगी। हमने कैसे बोला डॉग, सो उसमें तीन साउंड हैं ड ग उसी तरीके से वर्ड्स में जो डायग्राफ्स भी आते हैं सो so वो एक साउंड एक साथ करेंगे जैसे कि हमने बोला शॉप सो so, इसमें कितनी साउंड हुई शॉप शॉप लेटर चार हैं लेकिन साउंड तीन है सो इस तरीके से आप साउंड्स को पहचानने की कोशिश कीजिए उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फोनिक्स को भी समझने में और जो आप जो यूज करना चाहते हैं वाइल रीडिंग एंड राइटिंग सो so, ये थी, थी तीन चीज जो मैं आपको फोनिक साउंड सिखाने से पहले बताना चाहती थी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप सीख के अपने बच्चों को सिखाएं या फिर आप क्लास में सिखाएं और जॉलीफोनिक्स से रिलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि एक्शन के साथ वर्ड एग्जाम्पल के साथ और साउंड्स आप कैसे सिखा सकते हैं यानी कि साउंड्स को कैसे बोल सकते हैं उसके लिए पूरी प्ले है जो मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप उसको भी रेफर कर सकते हैं यहां पे मैं ए से लेकर जेड तक सभी साउंड्स एक साथ आपको बताने वाली हूं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला लेटर है A, और A एक है ए ए और एक सो जितने भी हैं हैं इंग्लिश में यानी कि जो पांच उनकी सबकी दो दो साउंड होती हैं एक होती है लॉन्ग साउंड एक होती है शॉर्ट साउंड लेकिन जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो so उनको हम शॉर्ट साउंड सिखाते हैं और जैसे कि लेटर है ए ए की शॉर्ट साउंड होती है ए मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे और बोलेंगे एप्पल एंट एम्बुलेंस और जो इसकी लॉन्ग साउंड होती है वो होती है लेटर का नाम जो कि है ए एकॉन नेक्स्ट लेटर है बी बी की साउंड होती है ब ब लिप्स को थोड़ा सा बंद करके थोड़े से प्रेशर के साथ साउंड करेंगे ब बॉल ब बैट नेक्स्ट लेटर है सी और सी की फिर से दो साउंड होती हैं ये वॉवल नहीं है लेकिन इसकी दो साउंड होती हैं एक होती है हार्ड साउंड जिसको हम बोलते हैं क क और एक साउंड होती है सॉफ्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं स सो जो, जो हार्ड साउंड है वही हम बच्चे को शुरू में सिखाते हैं शुरू में दोनों साउंड एक साथ नहीं सिखाते हैं सो तो आप भी ये गलती मत कीजिए अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो शुरू में ये मत बोलिए कि सी की दो साउंड होती हैं क और स नो हम बच्चे को पहले हार्ड साउंड सिखाते हैं क cat, k, camel, ख कैप और जो इसकी सॉफ्ट साउंड है वो है स स सेल स सर्कल अब सर्कल में हार्ड और सॉफ्ट दोनों साउंड हो रही है लेकिन पहले सॉफ्ट साउंड आती है सर कल सो so, कल वहां पे हार्ड साउंड आ रही है सो सर्कल सो इसमें दोनों ही साउंड है अब डिफरेंस uh, क्या है हार्ड साउंड में और सॉफ्ट साउंड में कब और कौन सी कैसे यूज करनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक uh, मिल जाएगा आप वो देख सकते हैं नेक्स्ट है डी डी की साउंड होती है ड डॉग ड डॉल नेक्स्ट लेटर है ई अगेन एक वॉवल है तो इसकी दो साउंड होंगी लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड सो हम बच्चे को पहले सिखाएंगे शॉर्ट साउंड ए, ए की जो शॉर्ट साउंड है जो फोनिक्स में हम सिखाते हैं वो है ए एग एलिफेंट और जो लॉन्ग साउंड होती है वो है लेटर का नाम यानी कि ई ई इंजन इंजन नेक्स्ट लेटर है एफ एफ की जो साउंड होती है वो होती है फ अब हम इसको फ नहीं बोलेंगे जैसे हिंदी में हम बोलते हैं फ नो no. इसके जो साउंड है जैसे हिंदी में फ, फ को जब हम नुकता लगा देते हैं तो कैसे बोलते हैं फ़ so वही साउंड है इंग्लिश में फिश फैन फनी नेक्स्ट लेटर है जी अब जी की फिर से दो साउंड होती है हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड so, यहां पर डिफरेंस आप देखिए जो सी और जी है इसकी हार्ड और सॉफ्ट साउंड होती है लेकिन जो वॉवल्स हैं, उनकी शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड होती है so, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ के चलिए। और जी की जो साउंड uh, हम बच्चे को पहले सिखाते हैं वो होती है हार्ड साउंड यानी कि गोट गेट गेम और जो इसकी सॉफ्ट साउंड होती है वो होती है ज जो यानी कि जराफ जेंटल सो so, बच्चे को अगेन आप कन्फ्यूज मत कीजिए पहले हार्ड साउंड सिखाएंगे और जब बच्चा सब साउंड सीख जाता है ये ग्रामर रूल में बाद में भी आता है कि जो जी की जो दूसरी साउंड होती है ज कब और कैसे होती है अगेन इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप उसको प्लीज रेफर कीजिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब ज और कब ग यूज करना है नेक्स्ट लेटर है एच और एच की साउंड होती है ह ह, हॉर्स अब हम इसको जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ह यहां से ह वैसे नहीं बोलना है इसकी अंदर से थोड़ी सी हवा को पास करते हुए बोलना है ह हॉर्स अब जैसे अगर हमें हिंदी वाला ह यूज करना होता तो हम इसको बोलते हॉर्स लेकिन हम इसको हॉर्स नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हॉर्स सो साउंड अंदर से आ रही है हॉर्स जैसे कि हम हवा को रिलीज करते हुए बोल रहे हैं होम हाउस ह नेक्स्ट लेटर है I और I की अगेन दो साउंड है क्योंकि ये वॉवल है सो कौन सी साउंड हुई इसकी येस शॉर्ट एंड लॉन्ग सो हम बच्चे को पहले सिखाएंगे शॉर्ट साउंड इग्लू ईग्लू इंक ई इंडिया और जो इसकी लॉन्ग साउंड है वो है आई आइसक्रीम आइसक्रीम so, कभी भी फोनिक सिखाते हुए जब आप ई e साउंड सिखा रहे हैं वहां पे कभी भी एग्जाम्पल आइसक्रीम यूज मत कीजिए सो ई शॉर्ट साउंड इग्लू इंग और लॉन्ग साउंड आई आइसक्रीम नेक्स्ट लेटर है जे जे की साउंड होती है ज, ज, ज जार ज जग जीप नेक्स्ट लेटर है के और के साउंड सेम जैसे कि सी की हार्ड साउंड होती है क क, क की क कैंगरू नेक्स्ट लेटर है एल एल की साउंड होती है ल, अब आप इसको ल नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ल लायन ल लॉक ल लॉन्ग नेक्स्ट लेटर है एम और एम की साउंड अब हम इसको म नहीं बोलेंगे कि एम की साउंड म है नो मंकी न, मैंगो नेक्स्ट लेटर है एन और एन की साउंड होती है नोइस नोज नेक नेक्स्ट लेटर है ओ और ओ अगेन एक वोवल है तो उसकी कितनी साउंड होंगी यस yes, दो और शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड सो हम बच्चे को कौन सी साउंड सिखाएंगे यस शॉर्ट साउंड सो शॉर्ट साउंड कैसे होगी अ मुंह को थोड़ा सा ओ की शेप में ही करना है और बोलना है अ ऑरेंज अ ऑस्ट्रिच और जो इसकी लॉन्ग साउंड है यानी कि जो लेटर का नाम है वो है ओ ओवर नेक्स्ट लेटर है पी और पी की साउंड होती है प पिंक pig, pumpkin, नेक्स्ट लेटर है Q और Q की साउंड होती है क्व क्वीन क्व और आप देखेंगे कि Q ज्यादातर U के साथ होता है और इसको एक डायग्राफ भी बोला जाता है कि Q और U की एक साउंड होती है क्व सो so, मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर रही हूं ताकि A से लेकर Z तक सभी साउंड कंप्लीट हो जाएं अदरवाइज ये डायग्राफ होता है क्योंकि दो लेटर एक साउंड करते हैं क्व नेक्स्ट लेटर है आर और आर की साउंड होती है रु। रु। कुछ लोग इसको एग्जैक्टली exactly जैसे हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से बोलते हैं साउंड बताते हुए वर्ड पढ़ते हुए नहीं सो so, साउंड जब बताते हैं तो बोलते हैं इसकी साउंड है र इसकी साउंड र नहीं है वरना हम बोलते र रोज सो so, हम रोज नहीं बोलते हैं रेन नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं रोज रेन सो so, इसकी जो साउंड है वो र ना होके र रेन रोज रिंग नेक्स्ट लेटर है एस और एस की साउंड अगेन जैसे हमने सी के लिए बोला था सी स, साउंड भी है स, स्नेक स, सन नेक्स्ट लेटर है टी और टी की साउंड होगी ठेलीफोन ठॉक Tell. नेक्स्ट लेटर है यू और यू अगेन एक vowel है तो उसकी दो साउंड होंगी लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड हम बच्चे को शुरू में सिखाते हैं शॉर्ट साउंड जो कि है अम्ब्रेला umpire और जो इसकी लॉन्ग साउंड यानी कि जो लेटर नाम है वो है यू यूनिकॉर्न यूनिफॉर्म नेक्स्ट लेटर है वी और वी की साउंड होती है व, व सो so, जो लिप्स हैं वो दांत को थोड़ा सा टच करते हुए बोलते हैं व वैन व विलेज नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू डब्ल्यू की साउंड होती है व व वाटरमेलन व वॉच व विंड सो so, व और व सो so, डिफरेंस क्या है ये वी और डब्ल्यू की साउंड में वी की साउंड हम बोल रहे हैं व और W की साउंड बोलते हुए हम मुंह को थोड़ा सा O की शेप में बना के बोलते हैं व व सो so, जब आप ऐसे बोल के देखेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा वैन विंड नेक्स्ट लेटर है X और X की जो साउंड होती है वो होती है क्स क्स इससे जनरली कोई वर्ड शुरू नहीं होता है जैसे जायलाफोन के शुरू में हम बोलते हैं यला फोन वी आर नॉट यूजिंग द साउंड एक्स बट वी आर यूजिंग द लेटर देर तो इसकी जो साउंड है वो वहां पर यूज नहीं हो रही है वहां पर इसकी साउंड आ रही है जायला फ़ोन या फिर कुछ लोग जैसे बोलते हैं एक्समिस्ट्री इट्स नॉट एक्समिस्ट्री अगर वहां पर भी हम बोलेंगे तो इसकी एक्स की जो साउंड है वो नहीं आ रही है वहां पर हम लोग अब फिर से उसका जो लेटर नेम है वही यूज कर रहे हैं तो एक्स एक्चुअली शुरू में यूज नहीं होता है ये वर्ड के बीच में या फिर एंड में ही आता है सो एक्समस्ट्री इज एक्चुअली नॉट करेक्ट इट इट विल बी लाइक क्रिसमस ट्री सो एक्स की जो साउंड है मोस्टली जैसे कि बॉक्स बॉक्स फॉक्स मिक्स सो so, एंड में जो हमें एक्स की साउंड सुनाई दे रही है वो है एक्स की साउंड सो so, कभी भी आप बच्चे को इससे कंफ्यूज मत कीजिए कि आपने क्रिसमस ट्री की पिक्चर लगाई और नीचे एक्स ट्री लिख दिया एक्स क्रिसमस ट्री वो एक्चुअली क्रिसमस ट्री है और जायला के लिए भी हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि एक्स फॉर जायला अगर हम फोन सिखा रहे हैं सो so, वहाँ पर हमें उसको अलग से बताना होगा कि इसकी जो साउंड है वो बॉक्स फॉक्स मिक्स फिक्स इसमें जो साउंड आ रही है वो साउंड है नेक्स्ट लेटर है वाई और अगेन वाई की एक से ज्यादा साउंड है और जैसे कि हम यूज करते हैं डे इसमें ए की साउंड आती है या फिर कहीं पे उसकी ई e की साउंड आती है बट जो हम फोनिक सिखा रहे हैं फोनिक सीख रहे हैं शुरू में वहां पे जो इसकी साउंड यूज की जाती है वो होती है योग और जो इसकी डिफरेंट साउंड्स हैं कब और कैसे यूज होती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप उसमें देख सकते हैं सो so, फिलहाल के लिए जो फोनिक्स में हम यूज कर रहे हैं वहां पे हमें बोलना है योग नेक्स्ट और लास्ट लेटर है जेड और जो जेड की साउंड है वो होती है ज, 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 और जू सो so, यहाँ पे हम ज नहीं बोलेंगे जैसे जू नहीं बोलेंगे या फिर जीब्रा नहीं बोलेंगे यहां पे जैसे कि हिंदी में जब हम ज लिखते हैं और उसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो वो बन जाता है ज़ सो वही साउंड इसमें आनी है या फिर हनी बी की से साउंड होती है ज़ वो साउंड के साथ बोलना है जू जीब्रा सो जेड की साउंड हो गई जू। जू। सो so, ये थे 26 लेटर्स और उनकी साउंड्स सो so, बाकी की जो साउंड्स बची हैं जैसे कि डायग्राफ में आती हैं या फिर दूसरी जो साउंड्स आती हैं ब्लेंस जो हम करते हैं उन सब के लिए मैं आगे वीडियोस लेके आने वाली हूँ ताकि आप उनको सीख के आपके जो रीडिंग और राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो आप फोनिक्स की प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में आने तक आप इनको अच्छे से सीख लीजिए ताकि जो आगे हम करें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं हार्ड सी सॉफ्ट सी हार्ड जी सॉफ़्ट जी और यू नो इनसे रिलेटेड और फोनिक्स को एक्शन के साथ कैसे uh, करना है उससे रिलेटेड जो भी लिंक दिए हुए हैं उनको चेकआउट करना मत भूलिए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय